अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशामदीद मेरे यूट्यूब चैनल बुंदेलखंडी छोरा। तो दोस्तों मैं बैठ चुका हूँ यूपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में। बहुत बढ़िया इसके पुर्जे लगा दिए गए हैं। एक तो हाई क्लास का है, चार इसमें एसी सेकंड टायर और 10 इसमें एसी थ्री टायर के कोचेस लगा दिए गए हैं। तो दोस्तों अभी मेरा रिजर्वेशन है ना जो वो है A2 में, लेकिन महोबा से है। TTC से बात कर लिया है, परमिट कर दिया उन्होंने बांदा से महोबा। अभी बना आधे घंटे की जर्नी है और चलते हैं दोस्तों इसमें और दिखाते हैं आगे का सफ़र कैसा रहेगा। बढ़िया बिंदास। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं महोबा स्टेशन में अपनी सीट में। तो आ रहा है महोबा स्टेशन और महोबा स्टेशन से मतलब किसी ने परमिट कर दिया था मुझे A2 के लिए। तो महोबा स्टेशन आ रहा है, महोबा में अपनी सीटेंगे, बढ़िया एकदम सोएंगे, खाना वाना खाएंगे। मम्मा बिरयानी पैक करके दी है तो देखते हैं कि महोबा स्टेशन निकल जाने के बाद हमारा हो रहा है डिनर। ये है बढ़िया मटन बिरयानी, कुरकुरे भी हैं थोड़े साथ में, अच्छा लगता है थोड़ा सा, और रायता इसके साथ। और यहाँ पर है ये मेरी थम्स अप, ऐसे बोल रहा है। खाना वाना हो गया भैया लोग, अभी सोने की तैयारी है। ग्वालियर और झांसी में कुछ फ्रेंड आने की संभावनाएं हैं, तो मिलते हैं उनसे और दिखाते हैं आपको कि कौन कौन से वो फ्रेंड हैं मेरे। और मेरे पे निज़ामुद्दीन में इमाम आ रहे हैं। चलो दोस्तों सोते हैं और मिलते हैं झांसी में। तो भाइयों आ चुके हैं हम झांसी वीरांगना लक्ष्मी भाई स्टेशन। बहुत अच्छा लगता है यहाँ इस स्टेशन पर आने पे, क्योंकि यार बचपन बीता है इस स्टेशन में, मतलब इस जगह पर। और अभी नवंबर महीने में आने का भी चल रहा है प्लानिंग, शाहरुख की शादी होनी है, देखते हैं लीव आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। आने का तो पूरा प्रोग्राम है भाई, बहुत मज़ा आने वाला है। बचपन जहाँ पे बीता है वो जगह देखने को मिलेगी। तो अभी हम लोग आ चुके हैं झांसी रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन, और अब इसके बाद आके सो जाऊंगा। बस झांसी आना था इसलिए फिर मैं नहीं सोया। और रजनीश तो बोल रहा था यहाँ पर, रजनीश तौफिक से बात हुई थी, आने के लिए कह रहे थे, लेकिन मैंने कहा यार मत आओ, क्योंकि 15 किलोमीटर दूर से वो लोग आएंगे मिलेंगे। रात का टाइम है, तकरीबन 10:30-11 बज गया है, 11:30 हो गया आई थिंक, तो फिर इसलिए मैंने मना कर दिया कि भाई मत आओ। और बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है, बस ये है पुरानी जगह है अपनी, बचपन बीता यहाँ पर। ओ अलविदा झांसी, सरजमीन झांसी। इस वक्त कम था मेरे पास सिर्फ स्टेशन से ही, इंशाल्लाह जल्दी ही वापस पूरा घूमा जाएगा इस बार। तो निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन आ गए हम लोग, और ट्रेन भी ना खूब एग्जाम्पल दे रही है, 8 नंबर लास्ट में लगाया एकदम, और जाना है मुझे 1 नंबर पे। 8 नंबर से 1 नंबर पे भी हम लोग जा रहे हैं, और इमू भारी खड़ा है। चलिए चलते हैं दोस्तों बाहर इमाम के पास। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इमू के घर, लोकेशन दे दे इस बार। ये है हम, तो ये मेरा बैग पैक कर रहा है, मतलब पैक है लेकिन उसको बांध रहा है इमू। इमाम कीप इट अप, गिरा ना मैं बताऊंगा तेरे को, बैग निकलेगा, बताऊंगा बेटी इसे। तो हो गया है, और भाई लोग ये जो पैकेट दिखाई दे रहा है ये कहते हैं बेटी। लो भाइयों हम लोग आ गए बहरोड, और बहरोड से मैंने जो 12 किलोमीटर का अंदर तरफ रास्ता जाता है लोकल नारनोल रोड, जिसकी दाहिनी तरफ हमारी MPRTC है, वो रोड ले लिया है मैंने। यहाँ बहरोड से 12 किलोमीटर है तकरीबन। चलिए दोस्तों पहुँचते हैं घर। तो भाइयों
या तकरीबन मैं आया हूँ 155 किलोमीटर 4.5 घंटे में, और वो भी दिल्ली का ट्रैफिक रिमूव। लेकिन जो तुमने शॉर्ट रूट बताया ना, बिल्कुल यार सीधा, बिल्कुल सीधा, बहुत आसानी रही वहाँ से आने में, लेकिन ट्रैफिक बहुत था। तो लेकिन मैं बढ़िया से आ गया अभी घर, और तकरीबन 11:30 हो रहा है, बस ना जा के जाना है, नहाना धोना बढ़िया से, मैं ठीक हो गया। जैसे पूछते हैं ना तबीयत कैसी है, क्या पूछता, क्या बोलता है पता है, तबीयत कैसी है आपकी, कौन सी तबीयत, मतलब तबीयत ठीक है। और मेरे बेटे ने ना मेरे लिए कुछ सरप्राइज रखा है, कुछ गिफ्ट पैक करके रखा है, दिखाओ भाई क्या है वो चीज़। आखिर ये देखो, मैंने बनाया, तो गिफ्ट तो मेरे लिए है ना, कुछ मम्मी के लिए। अच्छा चलो खोलो, मैं खोलो जल्दी से खोलता हूँ। तो देखो ये गिफ्ट बनाया है जोहैर ने मेरे लिए, क्या बनाया, इसके अंदर एक और भी है। ये मेरे लिए गिफ्ट है, देखिए कितनी अच्छी गिफ्ट है, और बड़े इसमें इरेजर है, बहुत अच्छा गिफ्ट है बेटा। ये डॉम्स का गिफ्ट। अब ये दूसरा गिफ्ट इसने बनाया, कुछ कार्ड टाइप का लग रहा है मुझे, तो जोहैर ने जो गिफ्ट दिया है ना ये मुझसे खुल नहीं रहा है, हम शाम तक इसको खोल के दिखाएंगे, ठीक है। और बताइए कैसा लगा आपको मेरा सफ़र, और वीडियो वगैरह लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसा रहा सफ़र मेरा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आसपास साफ सफाई बनाए रखें, आपसी भाईचारा बनाए रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो के लिए जय हिंद जय भारत।